सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो गाइस अपनी फोटो को जो है यहाँ पे आपको लाइट रूम ऐप में ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आप लोगों को करना है क्या गाइस, आप लोगों को जो है पहले इसमें लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करनी है। तो गाइस लाइटिंग वगैरह जो है सबकी फोटो में अलग अलग होती है, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा नहीं, क्योंकि गाइस लाइटिंग जो है इसमें फोटो में अलग है, तो मैं उसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो है अपनी फोटो के हिसाब से लाइटिंग वगैरह को ठीक करना है। अदरवाइज़ अगर आपको चाहो तो ये वाला पार्ट जो है आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप कलर्स पे जाकर देख सकते हो। तो अभी गाइज मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख के भी ये चीज़ सीख सकते हो कि अगर आपकी फोटो ओवर एक्सपोज होगी तो उस टाइम पर आपको कैसी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि फोटो में बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे कि आपने देखा कि ब्राइटनेस ज़्यादा थी, बट मैंने इसको यहाँ पे ठीक कर लिया है। अब गाइज यहाँ पे हमें बारी आती है कलर्स को ऐड करने की। तो कलर्स को ऐड करने के लिए आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है मतलब कि लाइट वगैरह एडजस्ट हो चुकी है। तो कलर्स के लिए हम चलेंगे यहाँ से सिंपली कलर्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिफोर एंड आफ्टर देखिए, है ना, कितना अच्छे तरीके से मैंने कर दिया। अब गाइज आपको मैं बताता हूँ कलर्स में क्या करना है। आपको कलर्स में जाने के बाद आपको जो है पहले यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है, एंड वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद आपको चले जाना है मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको ये ऑरेंज कलर लेना है। आपको अपने फेस के जो है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देनी है इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद जो आप सभी को लेना है येलो कलर, एंड इसका जो ह्यू है इसको बिल्कुल माइनस कर देना है, एंड ग्रीन कलर जो इसका भी ह्यू एकदम बिल्कुल माइनस कर देना है। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो गाइस आप चाहो तो मतलब कि और कोई कलर तो है नहीं आपकी फोटो में, जैसे कि बाद मेरे को यहाँ पे और कोई कलर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगर उन सभी का सैचुरेशन जो है माइनस कर दूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ब्लू का कर दिया। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब गाइस यहाँ पे जो है हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें सेव कर लेना है फोटो को ऐसे के ऐसा ही। ठीक है, सेम टू सेम सेव कर लेना है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, फिर सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसी फोटो को जो है ना दोबारा से ऐड करना है। अब वो किस लिए करना है वो मैं बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले फटाफट से, फिर बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो गाइस हमने जो फोटो को ऐड कर लिया है यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब जो है गाइस हम यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे कलर्स में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग वगैरह तो सेम है, हमें और कुछ नहीं करना है इसमें, तो हम कलर्स में ही जाएंगे। यहाँ से हम चलेंगे पहले फिल्टर में। ठीक है, प्रोफाइल में जाएंगे, फिल्टर वगैरह में, एंड यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है फिल्टर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, जिनमें से आप सभी को एक फिल्टर लेना है, जो कि है आपको मैं बताता हूँ, वो थोड़ा स्टार्टिंग में ही है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही आगे आ गया हूँ। तो यहाँ से हम चलते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जाने के बाद आपको जो आर्टिस्टिक दिख रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है, आर्टिस्टिक थर्ड ये वाला लेना है आपको। इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर एक बार टैप करना है, इसका जो ओपेसिटी है उसको बढ़ा देना है। ठीक है, इस तरीके से 150 आपको 8 तक रख लेना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पर डन करना है, फिर उसके बाद चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको मिक्स में जाना है। मिक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, मिक्स में आप जैसे जाओगे आपको रेड कलर का जो ह्यू है इसको यहाँ पर माइनस की तरफ करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे आपको इसको सेव करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है अभी आपको यहाँ पे फिलहाल के लिए डन करना है। ठीक है, तो इसको हम डन कर लेते हैं, एंड डन करने के बाद जो अब इसको हमें एक बार और सेव करना है। ठीक है, एंड सेव करके जो है इसको एक बार और एक्सपोर्ट करना है दोबारा, सेम जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, दोबारा से आपको उसको जो ऐड करना है इसमें। तो मैं ऐसे सिंपली ऐड फोटो में जाऊँगा, ऐड फोटो से जाने के बाद जो मैं ऐसे उसी फोटो को दोबारा से ऐड कर लूँगा। अब ऐड करके जो है आप सभी को करना है कि आपको दोबारा से उसी फोटो को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे गाइस आप लोग थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि मतलब क्या होता है कि जो हमने पहले एडिट की होती है हम उसी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम इसको ओपन करते हैं। अब गाइस देखिए हमने यहाँ पे कर लिया, अब क्या करें, हम दोबारा जाएंगे कलर्स में, फिर मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो यू है रेड कलर का, इसको ले जाएंगे माइनस में, एंड माइनस में ले जाते के साथ ही देखोगे हमारे इस फोटो में जो पिंक टोन आना स्टार्ट हो गया। अब हम पिंक कलर में जाएंगे, अब पिंक कलर में जाने के बाद जो हम इसका ह्यू जो है बढ़ाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, और सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे, एंड इसको हमें जो है थोड़ा सा मतलब कि ब्राइट करने के लिए हम इसका ल्यूमिनस भी प्लस कर देंगे इस तरीके से। अब इतना जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, इतना जाने के बाद आपको फिर यहाँ से रेड कलर में चलना है। रेड कलर में जाने के बाद आपको इसका सैचुरेशन जो है यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ताकि जो पिंक जो है थोड़ा डार्क में हो जाए। परफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब ल्यूमिनस भी बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ से चल जाना आपको कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में। कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन जाने के बाद आपको शेडो में जाना है। शेडो में जाने के बाद जो रेड कलर है इसका, इसको रेड में पिंक में चले जाना है ह्यू को, एंड सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको चले जाना है यहाँ से हाईलाइट में। हाईलाइट में जाने के बाद इसको रेड पर रहने देना है, सैचुरेशन बढ़ाना है, फिर इसके बाद पिंक में ले जाना है इसको इस तरीके से। अब परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो है गाइस देखिए यहाँ पे हम इसको डन करते हैं। अब डन कर देने के बाद मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने कैसे मतलब कि एकदम पिंक टोन हमने एकदम स्टेप से स्टेप बाय स्टेप डाला। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।